क्या आप जानते हो हमारे देश में भारत सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो चर्चिस और गवर्नमेंट स्कूलों के पास। आप आयरनी तो देखिए, तुलसी के वृक्ष को अंधविश्वास बताने वाले इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है, और प्लास्टिक के पेड़ को विश लिस्ट में रखे मॉडर्नाइजेशन का बहुत बड़ा सिंबल बताया जाता है। Hey, welcome back. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Wisdom Fact में। तो आज की वीडियो काफी बेसिक इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कॉन्वेंट स्कूल पर उसके पूरे ट्रैप के बारे में। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हो कि कॉन्वेंट क्या होता है? यूरोपियन कंट्रीज में ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। मतलब कि ये इतनी नीच परंपरा है, हमारे देश में इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। होता क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में हजारों बच्चे लावारिस छोड़े जाते हैं। उनको अपने परिवार के साथ रहने की कोई परमिशन नहीं होती है। पैदा होते ही बच्चों को छोड़ दिया जाता है अनाथ आश्रम के सामने, चर्चिस के सामने, किसी संस्था के सामने। फिर वहाँ की कोई रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उन बच्चों की अपब्रिंगिंग करती है, उन बच्चों की परवरिश करती है। तो उन लावारिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना पीना उनकी पूरी परवरिश का जो जिम्मा उठाया जाता है उस पूरे स्थान को कॉन्वेंट कहते हैं। आप चाहे तो गूगल पे इस चीज को सर्च करके समझ सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो कॉन्वेंट का मतलब होता है लावारिस बच्चों के पढ़ने लिखने और परवरिश का एक पर्टिकुलर स्थान। जिन बच्चों के माता पिता ने उन्हें त्याग दिया है, उनके कोई स्पाउसेस नहीं है। अब आप तो इस बात से भली भांति परिचित हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो लोग बच्चों को गोद लेना बहुत बड़ा बोझ समझते हैं, इसलिए उनको पैदा करके वहीं के चर्चिस के सामने और रेजिडेंशियल एरियाज पे छोड़ दिया जाता है। तो उनकी टेक केयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कॉन्वेंट। तो फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेजते हैं? हमारे भारत में तो भगवान की कृपा से बच्चों के माता पिता भी हैं, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी सब हैं। तो ऐसी नौबत हम लोगों में क्यों आई है? अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में डालते हैं। तो हम आपका वहम दूर करने की भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हो कॉन्वेंट स्कूलों में राष्ट्रगान काफी रेयर होता है, या तो बहुत से स्कूलों में होता ही नहीं है, और मॉर्निंग असेंबली में बाइबल्स की लाइंस जबरदस्ती रटाई जाती हैं, और ईसाई धर्म का खुला प्रचार किया जाता है। अब सदियों से चले आ रहे सत्य सनातन धर्म को अंधविश्वास कहा जाता है, मूर्ति पूजा को ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, और हिंदुओं को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीकों से बहुत ज्यादा अपमानित भी किया जाता है। तो आइए इन सब चीजों पे हम खुल के रोशनी डालते हैं। क्या आप जानते हो हमारे देश में भारत सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो चर्चिस और कॉन्वेंट स्कूलों के पास है। मतलब हमारे देश की आधे से ज्यादा जमीन चर्चिस और कॉन्वेंट स्कूलों ने हड़पी हुई है। हमको राजनीतिक मतभेदों में उलझा के रखा गया, हिंदू मुस्लिम में उलझा के रखा गया, पेट्रोल डीजल के दामों में उलझा के रखा गया, कोरोना हड़तालें और महंगाई की दौड़ में हम लोगों को व्यस्त करा के चर्चिस और कॉन्वेंट स्कूलों ने अनगिनत जमीनें हड़प के रखी हुई है। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत की हजारों हेक्टेयर जमीन सिर्फ एक रुपए लीज पे दी हुई। कहने का मतलब है क्रिश्चियन मिशनरीज वाले आते हैं, वो साल में एक दो रुपया देते हैं, और हमारी हजारों हेक्टेयर जमीन कई सालों से यूज करते आ रहे हैं। अब ये एक दो रुपए लीज पे इसलिए है क्योंकि ये 100-150-200 साल पहले से वो लोग लीज पे लेते आ रहे हैं। उस दौर के हिसाब से जो एक दो रुपए उस टाइम अप्रोप्रिएट था, उसी हिसाब से ये सिलसिला आज तक चलते आ रहा है। और ये जो जमीन है ये बाकायदा मिल्कियत जमीन है, जो आज से नहीं 1820 से अंग्रेजी सरकार ने इन स्कूलों को देना शुरू किया था, और आज 2021 तक ये अबाद गति से बढ़ती आ रही है। सिर्फ जैंडके में ही अंग्रेजों के केवल 109 कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो कि थोड़े बहुत कहीं रजिस्टर्ड है, और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो अनऑफिशियली अभी भी रन कर रही है। और आपको पता है इन कॉन्वेंट स्कूलों को चलाने के लिए हमारी देश की सरकारें सिर्फ 10% ही डोनेशन देती हैं, बाकी 90% डोनेशन हमारी सोसाइटी के लोग ही देते हैं। और अब आपकी जानकारी के लिए मैं महाराष्ट्र का एक आंकड़ा बताता हूँ कॉन्वेंट स्कूलों का, सिर्फ एक महाराष्ट्र स्टेट का, जो 2006 सेंसस के अकॉर्डिंग है। अकेले मुंबई में ही कॉन्वेंट स्कूलों में 92% हिंदू परिवार के बच्चे, और उनके अपने केवल 2.5% जो कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन सोसाइटी के हैं, और बाकी जो बच्चे वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। यह है स्थिति केवल महाराष्ट्र की। और 92% हिंदू समाज के जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के द्वारा उन स्कूलों में जो डोनेशन दिया जाता है, अगर उन डोनेशन को साथ में मिला दिया जाए तो केवल सिर्फ हिंदू समाज के परिवारों द्वारा डोनेशन ही 18,000 करोड़ रुपए का एक साल का डोनेशन है। और ये रकम पता कितनी है? राजस्थान के एक साल के आधे बजट के बराबर ये रकम है, और ये आंकड़ा सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट का है। सोचिए देश के बाकी स्टेट्स का क्या हाल होगा।
कैलकटा, केरला, तमिलनाडु, असम, हैदराबाद, कर्नाटका, जहाँ क्रिश्चियन मिशनरी जोरों शोरों से काम कर रही है, मद्रास, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, J&K और बी क्लास सिटीज के कॉन्वेंट स्कूल जैसे अजमेर, जयपुर, कुल कॉन्वेंट स्कूलों में जो डोनेशन दिया जाता है वह 2006 के आंकड़ों के हिसाब से 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन दिया जाता है। 1,00,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा है ये 2006 सेंसस का रिकॉर्ड है। सोचो उसके 15 सालों के बाद आई 2021 में ये रिकॉर्ड, ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा होगा। लोग हमारे पैसे ले रहे हैं और हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके दिमाग घुमा रहे हैं। अब इसी चीज को देखते हुए रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट में दायर किया गया केस ये था कि स्कूल की जो बसेस हैं वो चलते चलते बीच रोड में ड्राइवर उन बसेस को बंद कर देता है और फिर बच्चों से कहा जाता है कि आपने अपने 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 भगवान का नाम लीजिए। तो जो ही बच्चे भगवान का नाम लेने लगते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, बल्कि उनसे कहा जाता है कि देखो आपके भगवान में पावर नहीं है, उनमें इतनी वो शक्ति नहीं है, क्यों अपने भगवान का नाम लेते हो, आप यीशु मसीह का नाम लो फिर देखना ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही यीशु मसीह का नाम लिया जाता है ड्राइवर वो गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू करवा जाता है कि देखो आपके भगवान में पावर नहीं है, आपने एक बार यीशु मसीह का नाम लिया और ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इसी तरह से अलग अलग चीजें सामने आई थी। और दूसरा केस ये था कि हमारे जो भगवान है उनकी मेटल की कुछ मूर्तियां बनाई जाती हैं और वो मूर्तियां लेके बच्चों के हाथ में दे के उनमें पानी में डाला जाता है और मेटल की होने के कारण वो मूर्तियां पानी में डूब जाती हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने लकड़ी की यीशु मसीह की कुछ मूर्तियां बनाई होती हैं वो भी बच्चों को दी जाती है। अब लकड़ी की मूर्ति होने के कारण वो पानी में तैर जाती है। तो कहा जाता है देखो आपके भगवान में शक्तियां नहीं है और हमारे यीशु मसीह इतने पावरफुल हैं कि इनकी मूर्तियां पानी में बह रही हैं। 3-3 साल के बच्चों के माइंड में ये चीप मेथड इंस्टॉल करे जाते हैं डेलिबरेटली, ताकि आगे जाके लॉर्ड मैकाले की वो भविष्यवाणी सही हो जाए जिसमें लॉर्ड मैकाले ने भरी सभा में ये कहा था कि शायद हिंदुस्तानियों को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाएगी, लेकिन मैंने इनके दिमाग में ऐसा जहर भरा है और मैंने इस देश की कंडीशन ऐसी कर दी है आने वाले समय में ये सिर्फ देखने में भारतीय होंगे बल्कि दिमागी तौर पर चरित्र और आचरण से ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज होंगे। ऐसा माहौल आज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट स्कूल इस चीज को पूरी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रहा है। और ये सब चीजें कहाँ हो रही है? हमारे ही देश में, जहाँ ऋषि मुनियों, साधु संतों और शहीदों की भूमि रही है। भारत देश को आजाद करने के लिए 7.5 लाख से भी ज्यादा शहीदों ने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, क्या ये दिन देखने के लिए? और वहीं क्रिश्चियन मिशनरीज इस देश में जोरों शोरों से पनप रही है, छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चों का ब्रेन वॉश करके। ये आप आयरनी तो देखिए, तुलसी के वृक्ष को अंधविश्वास बताने वाले, इसमें साक्षात लक्ष्मी का वास है, और प्लास्टिक के पेड़ को विश लिस्ट में रखे मॉडर्नाइजेशन का बहुत बड़ा सिंबल बताया जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको काबिल लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।